पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में कितने दूरी तय करते हैं ना, अब पथ का क्षेत्रफल। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर ध्यान देखे, ये हो गया हम लोग का पथ, ठीक है ना। बताओ ये पथ के लंबाई दिया है देखो 10 मीटर और इसका चौड़ाई दिया है 106 मीटर, ठीक है ना। और किताब इस किताब में लिख रहा है कि प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा तथा चौड़ा 10 मीटर है, ठीक है ना। तो लिख रहा है कि रेखाखंड के बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर है ना। तो यानी यहाँ लिखना है इसको हियर में, देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ध्यान हियर, ये जो आर जो यहाँ पर दे दिया, यहाँ पे एक यहाँ मानना है छोटका आर बराबर 30 मीटर। अब कहा है 30 मीटर, क्योंकि बड़का आर निकलेगा यानी पूला का जब क्षेत्रफल निकलेगा तब बड़का का यूज करेंगे, ठीक है ना। और खाली जब इसमें एक यहाँ पर फर्स्ट में बोल रहा है कि चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तो खाली तय की गई दूरी निकलेगा तो उसमें 30 लगाना है, और पूरा अगर निकलेगा यहाँ पथ का क्षेत्रफल तो उसमें 60 लगाना है, ठीक। और इसका यहाँ पर कहा दिया इसका चौड़ाई कितना है, 106 मीटर है, और लंबाई कितना है यहाँ पे 10 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मालूम है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन यहाँ पहले इसको निकालना है, देखो यहाँ पहले इसका निकालना है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रंक, ठीक है ना, टी आर ए एन सी के, ठीक। नहीं हो जाएगा यहाँ पे चक, अब यहाँ चक्कर लगाने में लगी दूरी तो यहाँ पे 120 जो यहाँ पे 1 से 6 मीटर यहाँ दिया है चौड़ा, तो इतना चौड़ाई इसका और इसका दोनों का ना है, लेकिन इसमें दो को पाठ है ना यहाँ पे, तो मानो ये दिया है 106 मीटर। अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2 × 106 गुना गुना इसके लास्ट मीटर प्लस यहाँ पर, तो हाई कितना आ जाएगा, 212, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ पर 2 × 22/7 गुने कितना हो जाएगा, और यहाँ पर छोटका लिखना है 30 मीटर, यहाँ पर 30 लिखना है तो 30 है। तो अब बताओ इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तुले काम तुलो इससे, देखो ना तुलो काम करो, ये 44 में 30 से गुना कर कितना आ रहा है, 44 में 30 से हो जाएगा यहाँ पर 212 प्लस 40 × 30/7। अब यह ये 212 प्लस यहाँ पर ये आ गया 13 × 20/7 यहाँ पे 7, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर कौची करेंगे, देखो बाबू सब, अब इसका इसका लघुतम तो हो गया, तो इसका अंचा मान 1 है, ठीक है। तो देखो ये क्या करेंगे, 7 × 14 = 4 हाथ में 1, फिर 7 × 1 = 8 कितना हो जाएगा, 7 × 14, क्लियर। अब प्लस यहाँ पर 13 × 20/7, अब हम लोग दोनों के ऐड कर देंगे कितना, देखो यहाँ पर 4 × 4 = 0 × 4 = 4, ठीक। फिर यहाँ हो जाएगा 2 × 8 = 10 = 0 हाथ में 1, 3 × यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 7 × 8 2 × 2 = यहाँ पर 7 × ये सिर्फ हो गया यहाँ पे मीटर, यानी मीटर हो गया, ठीक। ये हो गया फर्स्ट मान इसका आंसर। तो यहाँ तुम थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है ना। तो ये पथ का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मानो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकाल देना है, कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये हो जाएगा 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई। अब 2 कहाँ से आया भाई, दिक्कत की बात है, 2 यहाँ से है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 को इधर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर इधर भी है चौड़ाई है, इधर भी चौड़ाई है, गुना हो जाए 2 से तो कितना आ जाए, 21 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया। देखो भाई यहाँ पर अब यहाँ पथ का एरिया, आप देखो यहाँ पर एरिया ऑफ पथ, एरिया ऑफ पथ 10 देखो यहाँ पर ये अर्धवृत्त की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर माना इसको यहाँ से काट के निकाल देंगे, काट दे यहाँ से, तो आधा वृत्त है ना, होगा आधा वृत्त है ना, होगा ठीक बनू। तो यहाँ पथ का एरिया पथ यानी पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। अच्छा ये बताओ, एक फॉर्मूला याद कराए थे, रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, π × r + r × r - r, इन होता है π
पाई इंटू हो जाएगा बड़का आर प्लस छोटका इंटू यहाँ पर बड़का आर माइनस छोटका, ये हो जाएगा जी, जी, जी। पाई इंटू चालीस प्लस तीस इंटू यहाँ पर चालीस माइनस तीस हो जाएगा बाईस बटा सात इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा सत्तर गुना यहाँ पर जाएगा दस ठीक बाईस बटा सात गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सात सौ हो जाएगा ना कट जाएगा सौ में तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बाईस सौ मीटर स्क्वायर क्लियर या तो कौन दिक्कत नहीं अभी चलो एरिया ऑफ टोटल टोटल पथ पथ की कुल क्षेत्रफल तो कुल क्षेत्रफल देखो एक पथ का क्षेत्रफल कितना आया था आया बाईस सौ आ गया ना बाईस सौ एक यहाँ पर आया था कितना हो जाएगा प्लस यहाँ पर इक्कीस सौ बीस दोनों का आ जाएगा तैतालीस सौ बीस मीटर स्क्वायर आंसर कोई दिक्कत सर यहाँ पर इसमें ज्ञात करना कुछ है इसका छायांकित भाग ज्ञात करना है नाइन नंबर का सबसे फर्स्ट यहाँ पर दे दिया है इसका ओए ओए दिया है यहाँ पर ओ ए दिया है यहाँ पर कितना सीएम दिया है ओए दिया है यहाँ पर सात सीएम इस थोड़ा उल्टा लिख दिया हम इसको यहाँ पर ए रहना चाहिए यहाँ पर बी कौन दिक्कत नहीं है ए बी तो ओए दे दिया है यहाँ पर सात सीएम तो पूरी दिया है कितना हम लोग के सात सीएम ओए सात सीएम तो ओए बड़का आर बराबर यहाँ मान लो सात सीएम ठीक तो छोटका आर कितना हो जाएगा सेवन बटा टू सी एम ठीक इसको लेकर चलो क्योंकि यहाँ पे एक ही को दिया हम लोग दो को दे दिया यहाँ पे एक को दिया है वो यहाँ सात सी एम तो इसका छोटका आर हो जाएगा सात बटा टू सी एम अब ये देखो एरिया सेगमेंट सेगमेंट वृत्ताखंड का क्षेत्रफल अब वृत्ताखंड का क्षेत्रफल में कैसी जगह देखो यहाँ पर एरिया आप ये बताइए कि यहाँ पर का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी सेमी सर्कल ठीक है ना माइनस यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी क्लियर यानी यहाँ अर्धवृत्त में से हमको है ए बी ए बी सी को इसको निकाल लेना है पहले तो देखिए अर्धवृत्त अर्धवृत्त का होता है एक बटा टू पाई आर स्क्वायर ठीक है ना माइनस यहाँ पर हाफ बीच होता है त्रिभुज का सूत्र होता है अभी एक बटा टू के टू बाईस बटा सात बड़का कितना है सात गुने सात माइनस यहाँ पर एक बटा दो के टू है अब बी को यहाँ पर मान लेना है चौदह तो चौदह गुना यहाँ पर सात कौन है चौदह देखो बी है ए बी सी बना दे तो है सात सी एम बा ओए तो इसका है बेस आधार है ना आधार है इसका इसका आधार सात को सात को जोड़ेंगे तब इसका पूरा आधार मिलेगा ए बी हो जाएगा चौदह सी एम ठीक अब ये कट जाएगा तो कितना जाएगा अब सात क्लियर अब यहाँ देखो सात से ये सात से ये सात कैंसिल भैया जी दो सौ बाईस कैंसिल ग्यारह दुना बाईस भी कैंसिल क्लियर ग्यारह सात सतहत्तर हो जाएगा उनचास ठीक है ना अभी क्या हो जाएगा अभी सात में से नौ गया तो कितना बचता है आठ आठ बचेगा कौन सा कहाँ अभी देखो अट्ठाईस सी एम स्क्वायर फर्स्ट आ गया इसको उतर तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ अब नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल ठीक है ना यहाँ देखो हाँ छोटी वृत्त का क्षेत्रफल देखो वही है ध्यान दो इसका हो जाएगा वो देखो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्लियर ठीक है ना छोटा आर स्क्वायर हो जाएगा बाईस बटा सात गुना यहाँ पर सेवन बटा टू गुना यहाँ पर सेवन बटा टू ठीक है ना ये सात से ये सात कैंसिल कोई दिक्कत इससे ग्यारह यहाँ गया यहाँ पर ग्यारह सतहत्तर बटा टू सतहत्तर बटा टू कट जाएगा तो आएगा अड़तीस पॉइंट फाइव सी एम स्क्वायर क्लियर ठीक है ना अब यहाँ देखो एरिया ऑफ एस एच ए डी ई डी साइडेड रीजन आर ई जी आई ओ एन ठीक है ना यानी छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल देखो वो सब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है तो देख इसका कितना है अड़तीस
1.5 और पिछला कितना आया था 28 इस दोनों को जोड़ो देखो आप 8 को 8 लगा लेगा 3 2 5 एक 6 6.5 सीएम स्क्वायर कौन दिक्कत तकलीफ एरिया से